हेलो अक्रम भाई, कैसे हो आप? बढ़िया है, आप बताइए निक्षय जी कैसे हैं? बस आपकी दुआ है अक्रम भाई। तो अक्रम भाई के बारे में मैं मतलब अपने जो ऑडियंस उनको बता दूं कि अक्रम भाई एक एथलीट भी है, एक सिविल इंजीनियर भी हैं, एक प्रोपराइटर भी हैं। प्रोपराइटर है या फिर नहीं, डायरेक्टर हूं मैं अपनी कंपनी का। ये अपनी कंपनी के डायरेक्टर भी हैं, सीईओ भी हैं और इवेंट मैनेजमेंट भी करते हैं। तो मतलब इतना सारा टैलेंट है इनमें कि मतलब पूरा इंटरव्यू कम पड़ जाएगा अभी। ऐसा नहीं है, बस मेरी कोशिश रहती है कि अपने लाइफ को तीन डायरेक्शन में ले जाने की। पहला तो मेरा करियर या मेरा प्रोफेशन जो है, जैसे कि आपने बताया कि मेरी एक इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी है, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, दोनों प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसका मैं सीईओ एंड डायरेक्टर हूँ। दूसरा कि सोसाइटी को हम क्या रिटर्न दे रहे हैं। हमें सोसाइटी से इतना कुछ मिला है, मैं इतना NIT से पढ़ा हूँ, BTech किया हूँ, हमें इतना सपोर्ट सिस्टम मिला, तो हम सोसाइटी को रिटर्न बैक कुछ कर रहे हैं कि नहीं। तो जिसके लिए जो मेरा एक NGO है ब्लेसिंग ब्लिस, जो तीन फील्ड में काम करती है, एजुकेशन ऑफ अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रेन, वीमेन सेफ्टी एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर ट्रांसजेंडर। तो जिसमें कि हम लोग अंडर प्रिविलेज जो बच्चे होते हैं उसको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, कि जो जिसको नहीं सुविधा है उसको। वीमेन सेफ्टी में हम गर्ल्स को फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग देते हैं, जहाँ पे वो अनवांटेड सिचुएशन में खुद को कैसे बचा सके, खुद को कैसे सेफ कर सके। तीसरा जो हमारा है ट्रांसजेंडर वाला, तो उसमें क्या है कि हमारे सोसाइटी का एक ऐसा सेक्टर है, हमारा एक ऐसा सेगमेंट है ट्रांसजेंडर का जो टोटली डिप्राइव्ड है। हम लोगों ने उसे सोसाइटी में अभी भी पूरे तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया है, बट खुशी की बात है कि हमने एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो उनको स्किल ट्रेनिंग देता हूँ जहाँ से वो अपनी लाइवलीहुड अर्न कर सके। तो ये हो गई कि हमारे सोसाइटी में कैसे मैं रिटर्न दे रहा हूँ, अपना कंट्रीब्यूशन कैसे दे रहा हूँ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। तीसरी चीज़ है कि जो मेरे हॉबीज़ है जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, आइदर वो माउंटेनियरिंग हो गया या फिर साइकिलिंग हो गया या फिर रनिंग हो गया, तो जैसा कि उससे मैं कैसे उसको कनेक्ट करके कैसे सोसाइटी को हेल्प कर सकूँ। तो बेसिकली मैं BMC किया हूँ, बेसिक माउंटेनिंग कोर्स फ्रॉम निमास, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग एलिट स्पोर्ट्स से। मैं रनिंग करता हूँ, 42 किलोमीटर दौड़ता हूँ, हाफ मैराथन 21 किलोमीटर, वीक में दो बार मेरा हाफ मैराथन हो ही जाता है। साइकिलिंग रिसेंटली मैंने 6000 किलोमीटर की साइकिलिंग की इन 49 डेज इन 6 कंट्रीज, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, जो कि रांची से सिंगापुर था, जिसमें कि बेसिकली एक अवेयरनेस कैंपेन था जहाँ पे हम लोगों को ये बता रहे थे कि अगर हम सब थोड़े थोड़े मिलके हमारे समाज के जो भी एजुकेशन नहीं पा रहे हैं जो बच्चे, उनको कैसे एजुकेशन दे सकते हैं, ट्रांसजेंडर को कैसे एम्प्लॉयबल बना सकते हैं, वीमेन को कैसे सेफ्टी दे सकते हैं। तो इस विषय पे क्या था, एक अवेयरनेस कैंपेन था जहाँ पे अलग अलग यूनिवर्सिटी जैसे इस्तराई जमशेदपुर, IIT खड़गपुर, AIUB यूनिवर्सिटी बांग्लादेश, NUS बिजनेस स्कूल सिंगापुर, ये सब सारे में टॉक था मेरा, जहाँ पे मैंने अपना बिश दिया बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से कोलाबरेट करने का। तो ये साइकिलिंग है और माउंटेनिंग मैं ऑलरेडी किया हुआ हूँ। और तो इस तरह से जो मेरी हॉबीज़ है उसको करना है, जो मेरे प्रोफेशन है उसको करना है, और जो सोसाइटी को रिटर्न देना है वो करना है। तो इतना ही करता हूँ मैं, और कुछ नहीं करता। बहुत कुछ करते आप, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। हाँ, ट्राई करता हूँ कि अपने स्टोरीज से या फिर जो मैं सोचता हूँ या फिर जो मैं करता हूँ उसको लोगों तक पहुँचाऊँ,
और किसी न किसी तरीके से अगर मैं 100 लोगों को, 1000 लोगों को, 1,00,000 लोगों को तक अपनी बात पहुंचाता हूं, उसमें से एक दो भी उन चीज़ों को समझ के अगर अच्छा करे, तो मेरे लिए वही सक्सेस है, मेरे लिए वही रिवॉर्ड है। तो मैं ये नहीं चाहता कि मैं जो कर रहा हूँ सिर्फ मैं करूँ, मैं चाहता हूँ कि लोगों तक मैं कैसे बात को पहुँचाऊँ और लोग कैसे इंस्पायर हो और लोग भी अच्छे काम करना, सब अच्छा कर रहे हैं, बट कैसे थोड़ा सोसाइटी की तरफ और इंक्लाइंड हो जाए, वो करने के लिए आप इसे मोटिवेशनल स्पीकर बोले या जो भी नाम दे दे वो करता हूँ। आपने एक इंटर्न किया था जिसमें आपने कुछ फॉरेन के बहुत सारे बच्चों के साथ मिलकर, या हाँ उसके बारे में कुछ बताएं। एक्चुअली मैंने 2013 में दिसंबर में एक इंटर्नशिप किया था इंडोनेशिया में, तब मैं अपने कॉलेज में सेकेंड ईयर में था। तो बेसिकली मैं एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप पे था, जहाँ पे एक बांडुंग बोल के है सिटी है इंडोनेशिया में, वहाँ पे एक और विलेज है, उसका इकोनॉमिक कंडीशन हम लोग को इंक्रीज करना था किसी तरह। तो वहाँ पे मैं टीम लीडर था 16 इंटर्न का, 9 डिफरेंट कंट्रीज से, इंडिया, बांग्लादेश, पेरू, कोलंबिया, यूएसए, मलेशिया, सिंगापुर और एक और पाकिस्तान, ये 9 कंट्रीज़ के 16 इंटर्न थे, जहाँ जिसका मैं टीम लीडर था। और वहाँ पे मुझे बेस्ट टीम लीडर का अवार्ड भी मिला था, जहाँ पे अलग अलग चीज़ों से अलग अलग टीम के अलग अलग टीम लीडर होते हैं, तो बेस्ट टीम लीडर मुझे का बोला गया था वहाँ पे। तो वो ये थी उसकी कहानी। तो आपके हिसाब से, मतलब जब आप बाहर में इंटर्न कर रहे थे और उनके टीम लीडर थे, तो एक हिंदुस्तानी होने के नाते किस तरह की परेशानी आती थी या किस तरह का फ़ायदा मिलता था? बेसिकली अगर मैं बोलूँ वहाँ पे, तो जो हमारे में कुछ करने की जो जज्बा होती है ना, जो एनर्जी लेवल होती है, वो मेरा बहुत ही हाई था। ठीक है, अभी भी हाई है बस है, कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं एनर्जी लेवल मेंटेन नहीं करूँगा तो कुछ नहीं कर पाऊँगा। बिकॉज आइदर आप साइकिलिंग करें, माउंटेनिंग करें, या फिर कहीं कुछ काम करें, आपको अपनी एनर्जी हमेशा पीक पर रखनी पड़ेगी। वो क्या होगा ना, आपको फिर आप अगर मान लीजिए थोड़ा सा सेटबैक भी होते हैं, तो कम बैक करने के लिए वो आपको एनर्जी देती है। तो मैं हमेशा इसलिए एनर्जेटिक रहता हूँ, मैं मानता हूँ कि नहीं थकना नहीं है। तो वहाँ पे क्या था कि मैं बहुत ही एज़ कम्पेयर टू, मैं सबसे छोटा था उस टीम में, आई वॉज द यंगेस्ट वन। उस समय मेरी एज लगभग 2013 की बात है, तो 18 के आसपास था, और वहाँ पे सारे 20 ईयर्स ऐसे थे। तो सबसे छोटा होते हुए मैं बहुत ही एनर्जेटिक था और टीम लीडर था, तो बहुत सारे काम करते थे। तो सीन से भारतीय होने के नाते जो हमारे एनर्जी लेवल हाई होती है वो बहुत हेल्प करती थी। एंड जो एज सच मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा या कुछ ऐसा नहीं सुनना पड़ा कि इंडिया ऐसे वैसे उस जगह पे। लेकिन आप टीम को लीड कर रहे हैं तो वो प्राइड की बात होती है कि आप एक कंट्री, 9 डिफरेंट कंट्रीज़ को टीम लीड कर रहे हैं। जब मैं साइकिलिंग किया था तो पूरे 49 डेज तक मेरे साइकिल पे नेशनल फ्लैग था और मेरे टी शर्ट पे नेशनल फ्लैग था, जो कि 49 डेज तक मेरे साथ था, इरिस्पेक्टिव मैं किस कंट्री में किस रास्ते से कहाँ जा रहा हूँ। तो वो बहुत प्राइड वाली फीलिंग होती है जब SSL लेवल पर जाके करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो लगता है कि हाँ, वो एक अलग ही फीलिंग होती है, वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है। आप इंजीनियरिंग में कहीं ना कहीं मेरे एक साल सीनियर हैं तो एक जूनियर होने के नाते, मतलब मैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आर्ट में काम कर लेता हूँ तो मेरे जैसे युवाओं के लिए या मेरे जैसे जूनियर्स के लिए क्या सलाह है आपका, मतलब किस तरह से काम करें कि आपके जैसा एनर्जी बनाए रखें हम लोग? देखिए, मैं मानता हूँ कि एक प्रोवर्ब है जो बहुत अच्छा है, लव द थिंग्स दैट यू डू और लीव द थिंग्स दैट यू डोंट लव, है ना। एक्चुअली लोग इसे कहावत की तरह मानते हैं, बट मैं इसे अप्लाई करता हूँ। तो आप जो भी कर रहे हैं उसे मन से कीजिए, क्योंकि ये तो कन्फर्म है कि अगर कुछ आप अलग कर रहे हैं और कुछ कर रहे हैं तो चैलेंजेस तो आएंगे ही आएंगे, डिफ़िकल्टीज तो आएंगे ही आएंगे। जिस दिन आपने ये डिसाइड कर लिया कि इरिस्पेक्टिव ऑफ कितनी डिफ़िकल्टीज आ रही है, कितनी परेशानी आ रही है, मुझे क्विट नहीं करना है, उस दिन आपको उसमें मन लगने लगेगा और उस दिन आप में एनर्जी अपने आप आ जाएगी। ना किसी अक्रम को बोलने की जरूरत पड़ेगा, ना किसी अक्रम को मोटिवेट करने की जरूरत पड़ेगा। जब आप इवेंट मैनेजमेंट में आए, जब आप आर्टिस्टिक या फिर स्पोर्ट्स के फील्ड में आए, उस समय नहीं लगा कि सिविल इंजीनियरिंग मैंने क्यों किया या फिर सिविल इंजीनियरिंग की तरफ मेरा रुख क्यों गया? नहीं, मैं मानता हूँ कि हम लाइफ के हर एक सेगमेंट से कुछ सीखते हैं, तो मैं उसे एज ए लर्निंग लेता हूँ। मैं ये नहीं मानता हूँ कि हर एक, जब भी हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो सिचुएशंस अलग होती है, हमारे फिनेंशियल स्टेटस अलग होते हैं, और जो डिफरेंट जितने भी जो डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं कुछ करने के लिए, वो चेंजेज हो जाते हैं। तो मैंने 4 साल जो बीटेक किया,
NIT राउरकेला में, मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं इंडोनेशिया में इंटर्नशिप किया या फिर जो भी मेरा एंटरप्रेन्योरशिप स्किल आया, क्योंकि मैं अपने कॉलेज में ESL है, एंटरप्रेन्योरशिप क्लब, उसका मेंबर था मैं, तो जो भी आया, जो भी मेरे को कुछ करने की अलग से बात आई, वो मैंने सारे कॉलेजेस में सीखा। उसके बाद मैंने 2-3 महीने एज ए सीनियर इंजीनियर जॉब किया L&T कंस्ट्रक्शन में, तो वहाँ से मेरी लर्निंग थी कि मैंने जब सिविल इंजीनियर किया, मैंने उस कोर सेक्टर में जॉब किया, बट शुरू से मेरा जो इंटरेस्ट था वो एंटरप्रेन्योरशिप पे था, एंटरप्रेन्योर बनने का, कुछ अलग करने का। तो जो लर्निंग मेरे को उन सब से हुई, उसी को तो मैं अभी अप्लाई कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए मैं इवेंट मैनेजमेंट कर रहा हूँ, मान लीजिए मेरी कंस्ट्रक्शन कंपनी चल रही है, तो वहीं से तो मैंने सीखा कि क्लाइंट को कैसे हैंडल करते हैं, वेंडर्स को कैसे हैंडल करते हैं, हमारा जो फिनेंशियल है वो कैसे, उसको कैसे मेंटेन करते हैं, प्रोग्रेस कैसे होती है कंपनी की, प्रोजेक्ट को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये सारा चीज़ हम सीखते हैं। अगर कोई ये मान रहा है कि मैं सिविल इंजीनियर बना और मुझे सिर्फ अपने कोर सेक्टर में जॉब करना है, नहीं तो मेरा 4 साल बर्बाद हो गया, मेरे हिसाब से बहुत रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। मैंने उस 4 साल में सिर्फ ये नहीं सीखा कि सॉलिड मैकेनिक्स क्या होती है या फिर जो कोर सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या होता है, मैंने उस 4 साल में बहुत कुछ सीखा लाइफ का अदर एस्पेक्ट्स को, जो मैं अभी यूटिलाइज कर रहा हूँ। आपका होम टाउन क्या है? होम टाउन मेरा एक छोटा सा शहर है गिरिडीह, झारखंड में, वहाँ एक छोटा सा गाँव है तेलोड़ी, वहीं से बिलोंग करता हूँ। तो आपके पिताजी का सपोर्ट कैसा रहता है, मतलब आपके काम को लेकर या फिर इतने अचीवमेंट्स को लेकर? अगर मैं कहूँ तो लाइक वो एक होता ना कि आप कुछ सपोर्ट करके नहीं बिगेस्ट सपोर्ट बन जाते, मेरे फादर वो हैं, मेरे पेरेंट्स घर वाले, क्या है कि आप जो करना चाहते हो आप करो। उन्होंने ना मुझे कभी रोका, ना कभी कुछ पूछा, ना कभी कुछ प्रेशर दिया, ना ही वो ह्यूज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता कि हाँ बेटा आप कर रहे हो, चलो मेरे साथ हो, वो भी केस नहीं था, बिकॉज थोड़ा सा मैं अलग हो गया था, तो वो सब चीज़ें उनको थोड़ा उसकी समझ में भी नहीं आती कि मैं क्या कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। तो एज अ फादर वो बहुत सपोर्ट करते हैं, नहीं सपोर्ट करके, मतलब वो कुछ नहीं बोलते, आपको जो करना है करो। तो मैं जब जॉब छोड़ा तो सब बोले कि आपका बेटा पागल हो गया है, इतने अच्छे एमएनसी में जॉब है उसका, इस चीज़ से मैं भी गुजरता हूँ, इतना अच्छा एमएनसी में जॉब है उनका और इतने अच्छे कॉलेज से पढ़ाई किया है, छोड़ रहा है। तो उन्होंने बोला कि आपको समझ में आता है, अगर आप सही कर रहे हो तो फिर करो। तो उनका सपोर्ट बहुत अच्छा था। अपने भाई बहनों के बारे में कुछ बताइए। मेरी 5 बहन है, 2 भाई हैं हम लोग, और मैं घर में सबसे छोटा हूँ। मेरी 5 बहन की शादी हो गई, सब सेटल है, मेरे भैया की भी शादी हो गई, वो भी सेटल है। तो उनका सपोर्ट कैसा रहा आपकी ज़िंदगी में? उन सब का सपोर्ट ऐसे ही है लाइक क्योंकि मैं छोटा हूँ तो सब बोलते हैं जो भी कर रहा है आप करो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि 2 चीज़ें होती हैं, एक चीज़ होती है कि इसमें टेक पार्ट करना, जो आप कर रहे हैं ना उसमें पार्टिसिपेट करना, एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ सपोर्ट करना, वो चीज़ नहीं है, बिकॉज वो इनको इतना पता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। बट ऐसा कि रोकना ये क्या कर रहे हो, तो वो सब ये चीज़ नहीं है। उन लोग जब देखते हैं कि लोग उन्हें बताते हैं कि आपका बेटा क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, काफ़ी खुश होते हैं, फ़ोन करते हैं, आज घर ये आया था ये बोल रहे थे कि तुम ऐसा कर रहे हो, तुम ऐसा कर रहे हो, तो मुझे अच्छा लगता है। बचपन में शरारती थे बहुत? किस तरह की शरारती करते थे? शरारती आप बोले तो कि कौन से शरारती जो मैं नहीं करता था। मैं जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे वैसे थोड़ा समझदार होता गया, लेकिन बचपन में घर से भाग जाना, आम तोड़ना, धूप में चले जाना, स्कूल नहीं जाना, स्कूल के खिड़की से तड़प के भाग जाना, फिर बहाने करना, छोटी बहन बड़ी बहन को मारना, आप जितने भी शरारत बोल ले, क्रिकेट खेलना, रात भर घर से भाग जाना, सब किया। जब इस दौरान पिताजी से कभी मार पड़ी? बहुत, बचपन में बहुत मार पड़ी थी। किस तरह से मार पड़ी थी? बहुत। मेरे पापा अभी भी याद है कि एक ऐसा इंसिडेंट है जो बड़ा फनी है। मैं बहुत छोटा था तो मेरे पापा आए तो पूछे, मेरे पापा धनबाद में ड्यूटी करते थे, हम लोग गिरिडीह में रहते थे, तो आके संडे को किस चीज़ में थे? BCCL में थे, अभी रिटायर्ड हो गए, BCCL में थे। तो वो आए तो बोले कि पढ़ाते थे संडे को, तो बोला CRO क्रो, क्रो मतलब होता है कौआ, मैंने बोला क्रो मतलब मैना। पता नहीं उनका क्या दिमाग ख़राब हुआ, वो इतना बड़ा बांस का लकड़ी उठाए और मुझे पूरे पूरे मोहल्ले में दौड़ा दौड़ा के मारे। तो मार मैंने बहुत खाई है बचपन में पापा से, बट जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे वैसे थोड़ा समझदार होता गया, फिर मारना बंद कर दिए। और इस दौरान माता जी का क्या रिएक्शन होता था? माता जी न्यूट्रल है, वो उनको कुछ नहीं है, वो बस प्यार ही करते हैं, वो नहीं मारते, वो अच्छा है। जब पिताजी से मार पड़ती थी तो भाई बहन बचाते थे या माँ बचाते? कोई नहीं बचाती थी, माँ बचाती थी। कोई नहीं बचाते थे? भाई बहन नहीं बचाते, वो लोग उसके मजे लेते थे। हाँ जैसा सबके यहाँ पे ही होता है।
कि तो माँ ही बचाती थी। स्कूलिंग आपका कैसा रहा? स्कूलिंग मैंने डीएवी से किया है, सीसीएल डीएवी पब्लिक स्कूल गिरिडीह से। वहाँ से आप दीवार धड़क के भाग जाया करते थे? हाँ, वहाँ से भाग जाते थे। फिर उसके पहले जब अगले दिन जब पकड़े जाते थे कि ये लड़का कल तो दीवार धड़क के भाग गया था, तो फिर मार पड़ती थी, मार पड़ती थी वहाँ से। और बेसिकली मैं डीएवी में बहुत कम तड़प के भागा हूँ। बेसिकली मैं जो छोटे स्कूल थे क्लास फाइव के नीचे, जो मैं गांव वाला स्कूल था उसमें तड़प के भागता था, उसमें ज़्यादा मार पड़ती थी। डीएवी वगैरह में थोड़ा स्ट्रिक्ट हाउस है। डीएवी का कोई मतलब फनी किस्सा कोई याद? डीएवी का मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ कि मैं दौड़ना कैसे स्टार्ट किया। मैं भी डीएवी से हूँ। अच्छा, तो मैं ऐसे क्लास फाइव से थोड़ा पढ़ने वढ़ने टाइप था, बदमाशी करने वाला लड़का था, दौड़ना वड़ना कुछ नहीं था। तो क्लास फाइव सिक्स सेवन एट नाइन में गया, तो मेरे एक स्कूल का एक होता ना हमारा एथलीट टीम, तो रिले वगैरह में जाती है क्लस्टर खेलने, डीएवी का पूरे एथलीट एमएचआरटी होता है, एमएचआरटी जो होता है उसमें क्लस्टर लेवल पे होता है, फिर एक जोनल लेवल पे होता है। तो एक रिले टीम होता है 4x4 का, 100x4 का। तो उसमें जो लड़का था वो इंजर्ड हो गया था, तो मेरा एक दोस्त था फारूक, बोला अक्रम यार हम लोग का टीम में एक लड़का इंजर्ड हो गया तो तुम दौड़ोगे? मैंने बोला भाई मैं तो दौड़ा वड़ा कभी नहीं हूँ। बोला चलो दौड़ते हैं। ये क्लास नाइन की बात है, 2009 की। फिर मैं बोला ठीक है चलो दौड़ते हैं, मुझे क्या मजे से जाएंगे, एक सप्ताह तो स्कूल से छुट्टी मिलेगी। जा रहे हैं धनबाद गए थे हम पार्टिसिपेट इसलिए लेते ही थे कि हमें मतलब क्लास से राहत मिले, राहत मिले। तो गया मैंने वहाँ पे, तो मैं वहाँ पे 4x100 दौड़ा, 4x400 दौड़ा। उसमें से मैं हम लोग का एक में आया सिल्वर, एक में आया ब्रॉन्ज। और मैं उसमें स्टार्ट मैं ही करता था रिले का। तो उस वहाँ से पता चला कि मैं दौड़ सकता हूँ। फिर मैं क्या, फिर क्या था, फिर मैं स्कूल का टीम में आ गया, फिर मैं भागने लगा, फिर मैं जोनल गया खेलने, वहाँ भी हम लोग को सिल्वर मिला। और फिर वहाँ से मेरे पता चला कि मैं दौड़ सकता हूँ, फिर वहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया। फिर मैं कोटा चला गया बंसा क्लासेस, मैंने दो साल वहाँ पे बिना दौड़े बिना भागे सिर्फ पढ़ाई की, पागल जैसा पढ़ाई किया 15-16 घंटा, क्योंकि मैं आईटीजेई का प्रिपरेशन कर रहा था। हम जब इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन नहीं करते हैं, जो झारखंड और बिहार के हम बच्चे हैं, हम लोग इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन नहीं करते हैं। हम में क्या होता है कि हम आईआईटी का प्रिपरेशन करते हैं। राइट क्योंकि वो अल्टीमेट गोल ही होता है, एम होता है कि आईआईटी क्रैक करना और कुछ नहीं। तो आईआईटी होपफुली निकाले, मैं बड़ा खुश था, 9000 रैंक आ गया था मेरा ऑल इंडिया में, ओबीसी में 6000 रैंक आ गया था। मैं सोचा अब क्या है, अब तो हो जाएगा। फिर मैं ट्रिपल ई नहीं पढ़ा, तो ट्रिपल ई में मेरा रैंक और ख़राब हो गया, 23000 हो गया। मुझे लगा कि मैं श्योर श्योर आईटी में हो जाएगा, 10000 की सीट रहती है। अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं आती थी वो काउंसलिंग वगैरह, तो जो भी हुआ बहरहाल मुझे आईटी नहीं मिला, काउंसलिंग गलत तरीके से भरने का। फिर मैं एनआईटी चला गया, फिर मैंने एनआईटी में दौड़ना स्टार्ट किया, मैराथन दौड़ता था वो 5 किलोमीटर। उसके बाद फिर वहीं से मेरा रनिंग स्टार्ट हुआ। अभी फिर वहाँ से धीरे धीरे मैंने 10, 15, 20, अभी तो 42 किलोमीटर दौड़। गिरिडीह जैसी जगह से निकल के एनआईटी में